न्यू क्वेश्चन ऑफ एमपीसी बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 100 करोड़ नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इंक्रीजेज बाय 250 करोड़ फाइंड आउट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी फाइंड आउट करना है। वो कहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए से बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 100 करोड़, नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 250 करोड़। तो इसका फॉर्मूला हम चाहे तो इसके कई फॉर्मूला के से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं या ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चेंज इन नेशनल इनकम डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी डेल्टा कंजप्शन प्लस यानी कि चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम है हमारा 250 करोड़ और डेल्टा सी है हमारा फाइंड आउट करना है और डेल्टा ये हमारा 100 करोड़। तो डेल्टा सी आ जाएगा आपका 150 करोड़। डेल्टा सी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको एमपीसी निकालना है। एमपीसी होता है चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। चेंज इन एमपीसी एमपीसी होता है चेंज इन कंजप्शन यानी कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई तो ये डेल्टा सी कितना आ जाएगा आपका 150 अपॉन 250 इज इक्वल टू 0.6। ये स्टेप से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 0.6 और 0.6। ये आपका आ जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि अगर आपका 100 सीधा ही क्वेश्चन से भी आपको आंसर मिल रहा है 250 करोड़ रुपए आपका नेशनल इनकम बढ़ गया उसकी वजह से जो चेंज इन्वेस्टमेंट में हुआ 100 करोड़ हुआ तो बाकी कंजप्शन हो गया चेंज इन कंजप्शन हुआ करोड़ है तो आपको एमपीसी निकालना है तो 150 अपॉन 250 इज इक्वल टू इस टाइप से हो जाएगा। और एक इसका फॉर्मूला है इस टाइप से भी और कर सकते हो आप के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के की वैल्यू निकाल लो पहले। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी के आ जाएगा 250 अपॉन 100 यानी कि 2.5। अब इनमें 2.5 में सब वैल्यू रख लीजिए यू वुड फाइंड आउट दिस। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे के की वैल्यू हमने निकाल ली कि आ गया आपका 2.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो ये हो जाएगा -2.5 एमपीसी और 2.5 एमपीसी हो जाएगा इज इक्वल टू 2.5 -1 इज इक्वल टू 1.5 और एमपीसी वैसे ही आ जाएगा। एमपीसी आ जाएगा फिर आपका या इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूसरे तरीके से बता दे रहा हूं। इसको एक तो तरीका ये था इसका सॉल्व करने का एक ये है एक दूसरे स्टेप से भी कर सकते हैं जिसको मैं पूरा आपको याद दोबारा बता देता हूं। एक मेथड आपके पास ये है दूसरा मेथड स्टेप से भी कर सकते थे इसको। दूसरा मेथड है हमारे पास के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी और के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो के की वैल्यू हमारी आ गई है के हो जाएगा डेल्टा वाई आपका हो गया था 250 अपॉन 100 2.5। तो आप रखेंगे इस टाइप से 2.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो 2.5 -2.5 एमपीसी इज इक्वल टू 1 2.5 एमपीसी हो जाएगा 2.5 -1 इज इक्वल टू 1.5 और एमपीसी आपका आ जाएगा 1.5 अपॉन 2.5 यानी कि 0.6। पहला वाला मेथड ज्यादा आसान है इसके मुकाबले।
स्टेप से भी आप कर सकते हो, तो दिस इज ओवर।